हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब? सो गाइस, आपको पता होगा कुछ महीनों पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं आपको फायर लाइट 84 गेम का रिव्यू करके दिखाया था। अगर आप थोड़ा सा बोर हो चुके हो एक तरह का बैटल रॉयल खेल के, तो आप वो गेम को ट्राई कर सकते हो। काफी लोगों को वो पसंद आया था, तो फाइनली उसका बोल सकते हो अर्ली एक्सेस से ग्लोबल लॉन्च हो चुका है। और जी हाँ, ये इंडिया में अवेलेबल है। ग्लोबल लॉन्च के साथ बहुत सारा और भी चीज़ पता चला, लाइक ये जो गेम होने वाला है ना, एंड्रॉयड iOS सब में अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उसके साथ साथ PC वेरिएंट में भी अवेलेबल है। स्टीम में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो कम्प्लीटली फ्री, एक भी रुपये आपको देना नहीं पड़ेगा। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये गेम में कुछ और अलग यूनिक चीज़ें, लाइक आप मोबाइल वाला बंदे PC के साथ खेल सकते हो, क्रॉस प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेगा ये गेम में। उसके साथ साथ क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रेस भी आपको देखने को मिल जाएगा। क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रेस ये होता है COD वर्जन वाले भी वो फॉलो करने वाले, जिससे मोबाइल वाला जो आप प्रोग्रेस है परचेस करोगे तो वो आपके PC में भी रिफ्लेक्ट करेगा, और अगर आप PC से करते हो तो मोबाइल में रिफ्लेक्ट करने वाले। एक ही अकाउंट को आप दोनों जगह से यूज कर सकते हो, ठीक है। बट COD वर्जन में क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं है, एक चीज जानकर रखना। मोबाइल वाला बंदा मोबाइल के साथ ही खेलेंगे, PC वाला बंदा PC के साथ खेलेंगे, बट ये गेम में क्रॉस प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। मोबाइल बंदे PC के साथ भी खेल सकते हो, PC वाला बंदे मोबाइल के साथ भी खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्रॉस प्लेटफॉर्म जब करते हो ना, एक चीज मेक श्योर करना, PC वाला बंदे को थोड़ा बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता ही है, क्योंकि माउस एंड कीबोर्ड में थोड़ा कंट्रोल करना इजी हो जाता है, ठीक है। बट एक चीज है कि अगर आपके टीम में एक PC वाला बंदा है, तो ओपोनेंट टीम में भी एक PC वाला बंदा या उससे ज्यादा भी हो सकता है, मिनिमम एक तो होना ही है। ऐसे ही क्रॉस प्लेटफॉर्म काम करता है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया आपको। अभी हम लोग बात करते हैं ये गेम का मैकेनिक्स। तो अगर आप थोड़ा सा बोर हो चुके हो एक तरह का बैटल रॉयल खेल खेल के, तो एक ट्राई ये गेम को दे सकते हो। अच्छा खासा गेम है, स्मूथ इंटरफेस है, कैरेक्टर का मूवमेंट थोड़ा फोर्टनाइट वाला आपको फील देने वाला है, ज़्यादा PUBG एंड BGMI से कनेक्ट नहीं होगा, फोर्टनाइट वाला फील देगा, बट इसका एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगने वाला है। एक ट्राई आप डेफिनेटली दे सकते हो। कल मैं इसका लाइव किया था, मुझे अच्छा खासा इसका बोल सकते हो फीडबैक लगा। पहले ही बिल्ड में, मतलब PC वाला वेरिएंट में पहले वाला खेल रहा था, इससे पहले मोबाइल वाला वेरिएंट में वीडियो बना के दिखाया था। PC में भी अच्छा खासा इसमें ऑप्टिमाइज किया गया, ज्यादा रिसोर्सेस नहीं लेता, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे आप देख पा रहे हो ग्लोबल लॉन्च के साथ साथ बहुत सारा चीज आपको फ्री में मिल रहा। कुछ हीरोज का स्किन आपको फ्री में मिल जाएगा, जो कि बाद में जाके शायद से नहीं मिलने वाला। लाइक फैंटम का एक स्किन मुझे ये फ्री में मिला। इसके बाद बैटल पास भी अवेलेबल है, बैटल पास में ये वाला स्किन मिलने वाला, और ये बहुत सारे स्किन अलग अलग जगह में आपको मिलेगा। उसके साथ साथ इसका भी शायद एक स्किन मिला है ना, कौन सा एक और स्किन मिला, कौन कौन सा कैरेक्टर का मुझे आइडिया नहीं है, आप देख पाओगे तो वो स्किन्स आपको मिलने वाला है। और उसके बाद ये बैटल पास आपको दिखाया जाए, या बैटल पास आपको देख पा रहे होंगे, बैटल पास भी ऐड हो चुका है गेम के अंदर। उसके बाद कुछ और इवेंट भी है जहां आपको फ्री में रिवॉर्ड्स मिलेगा, जो कि आपको अर्ली लॉन्च में ही मिलता, बाद में जाके अगर आप देखोगे ना, तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको बाद में देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो गेम है ऑल ओवर द वर्ल्ड लॉन्च हुआ है ना, ग्लोबली आपको ग्लोबली सब बंदे मिलेगा अलग अलग कंट्री में। अगर आप ग्लोबल मैचमेकिंग का वेट कर रहे थे इस तरह का गेम का, तो आप डेफिनेटली एक ट्राई दे सकते हो। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। और इधर आप देख पा रहे हो वेपन्स आपको दिखाई दे रहा, अलग अलग वेपन्स है। तो भाई एक गेम जाने वाला है एपेक्स, और इसके जगह एक गेम और आ चुका है, तो उस टाइप का थोड़ा बहुत वाइब्स तो आपको देगा। इसमें कुछ कैरेक्टर का खुद का भी एबिलिटीज होता है, लाइक आप देख पा रहे हो आइटम्स आपको दिखाई दे रहा है। ये गेम इतना दिन से बोल सकते हो अर्ली एक्सेस में था ना, कि ऑलमोस्ट सब कुछ इसमें अवेलेबल है पहले ही लॉन्च में। जैसे कि आप देखो रूम फीचर ऑलरेडी अवेलेबल है इसमें, उसके बाद कस्टम दिखाया जाए, टूर्नामेंट कस्टम रिप्ले, उसके साथ टूर्नामेंट रिप्ले आप देख पा रहे हो। इधर आप देखो ऑर्गेनाइज योर ओन फायरलाइट 84 टूर्नामेंट, मतलब आप खुद का भी टूर्नामेंट कर सकते हो इधर से अप्लाई करके। ये चीज़ आपको दिखाई देगा, मतलब सब कुछ इसमें अवेलेबल, आप जो चाहे वो कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा टूर्नामेंट वाला वाइब सही है, तो आप ये गेम का यूज़ ले सकते हो खेलने के लिए। इसमें इवेंट्स भी अवेलेबल है, अलग अलग इवेंट्स आप देख पा रहे हो। इसमें अगर आप बंदे को बुलाओगे ना, तो आपको और भी रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे अभी न्यू गेम है, तो जितना जल्दी आप बंदे को बुलाओगे, लाइक इधर आप देख पा रहे हो, ये सब आपको मिलते जाएगा, ठीक है। इसका तो गेमिंग मैकेनिक्स आप तो देख पा रहे हो, थोड़ा सा मैं और अटैच कर दूंगा गेम प्ले। ऑलरेडी इसको मैं रिव्यू कर चुका हूँ, अभी ये ग्लोबली लॉन्च होगा, तो आप एक और ट्राई दे सकते हो। PC का मैं गेम प्ले दिखा दिया, मोबाइल वाला गेम प्ले अगर देखना, मैं ऑलरेडी खेल चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो मोबाइल गेम प्ले भी अवेलेबल है, ठीक है। तो जाओ ये गेम को ट्राई करो, जब तक BGMI नहीं आता है, तो कुछ नया एक्सपीरियंस करो। जब आ जाएगा तो फिर वापस आ जाना, मुझे पता भाई आपको BGMI लास्ट में पसंद आएगा, ये तो फर्स्ट सियोर है, बट डेफिनेटली एक ट्राई तो देना चाहिए सब गेम को, इसलिए मैं ये गेम दिखा दिया। चलो इतना रखते हैं वीडियो को, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। तो 30 घंटे यार,